और जब विधानसभा में कोई सत्र को चलाएंगे नहीं तो विधायक कैसे जनता की बातों को, के बाद वो ट्वीट कर रहे हैं बैठ के, भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछ करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी काम करेंगे जी। भाजपा वालों के कहने से वोट डालने नहीं जाएंगे अपना। समाजवादी पार्टी से विधायक मनोज पांडे जी हमारे साथ हैं। मनोज जी, जिस तरीके से भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, कई एलिगेशंस लगाए हैं कि सदन जल्दी खत्म हो गया, क्या? देखिए, सारी बातें हमने प्रेस वार्ता में कह दिया। लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है विधानसभा, और जब विधानसभा में कोई सत्र को चलाएंगे नहीं तो विधायक कैसे जनता की बातों को विधानसभा में रख पाएगा, यही बड़ा सवाल हमने उठाया, अभी यहाँ भी उठाया, हाउस में भी उठाया। मनोज जी, सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि अखिलेश जी दो दिन तक सदन में नहीं आए, अब उसके बाद वो ट्वीट कर रहे हैं बैठ के, भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछ करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी काम करेंगे। मैंने कहा कि जिस लोकतंत्र का महापर्व था वो मैनपुरी में भी था, ना केवल वो करहल से विधायक हैं बल्कि वहाँ के मतदाता हैं। भाजपा वालों के कहने से वोट डालने नहीं जाएंगे अपना। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी से विधायक मनोज पांडे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से सदन को जल्दबाजी में ख़त्म किया गया, ये संवैधानिक तरीका नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव दो दिन तक सदन में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, उस पर जब सवाल पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी से पूछ कर समाजवादी कार्य नहीं करेगी। वीडियो चैनल शायुष के साथ फरीद लीडर हिंदी लखनऊ।